हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो अब इधर हमारे फ्रूट्स लगे हैं, जैसे आपको पता है मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। तो चलिए हम एसपी सर से बड़े बड़े हेड। नमस्कार, आपका जितेंद्र कुमार यादव जी आपके नेम वहाँ पर है, तो आप एसपी साहब हैं और आज के इंतजाम के बारे में बताएं कि सीएम साहब आ रहे हैं कुछ घंटे बाद और सत्संग प्रोग्राम में, वो संतों के बड़े प्रेमी हैं, तो किस नज़र से देखते हैं आप सुरक्षा और बाकी चीज़ों को? आज फर्क जो कार्यक्रम है जी आप लोग के द्वारा आयोजित की गई है, उससे माननीय मुख्यमंत्री के आगमन जिस पर हम अपनी सुरक्षा की दृष्टि से सारे जगह जहाँ जहाँ भी सुरक्षा तैनात करने की आवश्यकता है वहाँ हमने तैनात किया है। पेट्रोलिंग पार्टी भी हमारी है जी। साथ में व्यवस्था देखने के लिए अलग अलग सेक्टर में भी हमने पुलिस बलों को तैनात किया है। हमारी यही तैयारी है कि कोई भी किसी प्रकार की भी कोई अव्यवस्था ना हो जी, जिस पर हम पूरी तरह से तैनात हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हो या फिर लोगों की सुविधाओं की दृष्टि से हो, संतों का आगमन है, श्रद्धालुओं का आगमन है, तो उसको देखते हुए हमने अच्छी सुरक्षा के इंतजाम किए जी। मैंने सुना हेलीपैड वहाँ पर है जो आपके ठीक पीछे नज़र आ रहा है, दमकल की गाड़ियाँ भी हैं, मतलब इमरजेंसी के लिए हर तरीके से उपलब्ध है, सुविधाएँ रहती हैं आपकी। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं जी, जिसमें जितने भी अगर कोई किसी प्रकार का भी कोई अगर अनहोनी की संभावना होती है उसको देखकर हम लोग तैयारी करते हैं जी। इस व्यवस्था से सारी व्यवस्था तो ये पूरा कलेक्टर के अंदर में होता है, ये पूरा जिला प्रशासन पुलिस क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जी, उनके सुरक्षा के लिए सारे जिला प्रशासन पुलिस पूरी तरह से घुसता है। और ये जैसे आपके जो छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान नज़र आते हैं रस्सी लेकर, तो यार ये का ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं या यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से? भीड़ नियंत्रण में रस्सी की आवश्यकता पड़ती है, जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो जी संभालने की रस्सी की आवश्यकता पड़ती है, विशेष ज़रूरत होने पर हम रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपकी सुरक्षा संत और सिपाही का ये बढ़िया सम्मिलन है, तो आप लाठी के जरिए नियंत्रित करते हैं और संत लोग अपनी बातों से, तो बढ़िया। लाठी हमारा जो नियंत्रण का जो साधन है वो नहीं होता है, वो अच्छा, लास्ट रिसोर्ट होता है। अच्छा अच्छा, करने पर ही उसके इस्तेमाल की जाती है। ये जैसे हमारे जो है हम सिविल पुलिस है, तो सिविल पुलिस का काम है जनता की सुरक्षा और लोग मतलब परित्राणा है साधुनाम जो होता है हमारा जी, कि अच्छे लोगों की रक्षा करना और बुरे लोगों का संहार करना जी, वो पर हम समाज की जनता की सेवा के लिए सुरक्षा के लिए। मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी आप संतों से जुड़े हुए होंगे, कहीं ना कहीं से आपका कोई वो होगा, ताल्लुकात के अलावा कहीं ना कहीं आप पूजा भक्ति में लीन रहते होंगे ज़रूर, किसी न किसी किसी न कोई माध्यम से जुड़ा होता है। सबका अपना अपना एक पूजा करने का भाव, भगवान तक पहुँचने का भाव होता है, तो सब जुड़े होते हैं। आपको कैसे व्यक्तिगत लगता है यहाँ संतों का सम्मेलन है, संतजन का, सत्संग का, ज्ञान और ध्यान भक्ति का जी, थोड़ा सा एक क्या है कि जो जनता है, जो लोग हैं, जो प्यासा है, विश्वास है जी, उस पर हमारा यही वो रहता है कि किसी भी जो लोग हैं उनको परेशानी हो जी, अगर कोई किसी के विश्वास आस्था में अगर कोई सभा सम्मेलन हो रही है उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है, उसी दायित्व को लेकर हम। बहुत बहुत आभार आपका, कार्यक्रम ये सफल हो आपके जरिए और सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, संतों और भक्तों को भी लाभ मिले ज्ञान और ध्यान का, और मौका मिलने पर आप भी सत्संग से लाभ लेते रहिए जब भी मौका मिले। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। तो गाइज मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि हमने एसपी सर से मुलाकात की, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, और ये पूरा आज सीएम जी आने वाले हैं, इसका फोर्स लगा हुआ है पूरा, आज देख सकते हैं। और एंट्रेंस गेट है और उस तरफ हेलीपैड बना है जहाँ हेलीकॉप्टर उतरेगा, ये एंट्रेंस गेट लगा हुआ है, सीएम जी आएंगे उसके लिए। और ये देख सकते हैं सीएम जी की फ़ोटो भी लगी हुई है और पूरी तैयारियों के साथ फोर्स लगी भी हुई है, देख सकते हैं सामने की तरफ। और ये साहेब जी भी व्लॉग बनाते हुए, पूरे पुलिस फोर्स एम्बुलेंस सब लगे हुए हैं साहब। कुलेश्वर साहू जी हैं पुराने, पूरे सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं और उस तरफ फायर ब्रिगेड भी लगी हुई है, अग्निशमन सेवा, और इस तरफ हेलीपैड बना हुआ है। मैंने दिखाया था आप लोग को कि हेलीपैड वहाँ उतरेगा करके, और सीएम सर इसी रूट से सीधे वहाँ
एंट्रेंस गेट पर पहुंचेंगे तो इस तरफ पानी की भी सुविधा रखी गई है, इस तरफ भोजनालय है। अभी तो फिलहाल नहीं शुरू हुआ है भोजन, जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा और हम लोग चलते हैं भोजनालय में, देखते हैं क्या क्या बन रहा है। तो आज जलपान में ये पोहा बना हुआ है, जलपान मतलब नाश्ता। इस तरफ है तो इस तरफ है भोजनालय और काफ़ी तादाद में लोग बने लगे हुए हैं सब्जी और सब्जी बनाने में, देख सकते हैं। ये है आलू और वो है भाटा की सब्जी बनेगी शायद आज। तो ये है यहाँ के भंडारा प्रभारी, तो चलिए बात करते हैं इनसे। तो क्या क्या रखा गया आज के खाने में, क्योंकि सीएम सर आ रहे हैं, सीएम सर के लिए तो अलग खाना है मगर हमारे जनता लोग के लिए क्या खाना है? सीएम साहब के लिए अलग खाना है लेकिन आम जनता के लिए पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, हाँ, और कढ़ी है और टमाटर की चटनी है, सलाद है। ओके, तो ये जैसा कि बता रहे पत्ता गोभी है, गोभी है और सलाद है, टमाटर की चटनी जैसा कि देख सकते हैं अभी बनाएंगे टमाटर है। तो ये हेलीकॉप्टर में सीएम जी आते हुए देख सकते हैं आप, हेलीकॉप्टर और इधर सत्संग चलता हुआ और सीएम साहब आ चुके हैं गाइस, देख सकते हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ और इस तरफ सत्संग चल रहा है जैसा कि आप सब देख सकते हैं। पूरा तरफ काफ़ी भीड़ हो चुका है क्योंकि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आ गए हैं, सत्संग चल रहा है अभी, जस्ट सीएम सर आ चुके हैं। काफ़ी धूल उड़ा है उस तरफ इसलिए मैं नहीं ले जा पा रहा हूँ आप लोग को उस तरफ। और यहाँ पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है। तो गाइस लोगों के बीच सस्पेंस बढ़ गया है भारी, देख सकते हैं, और काफ़ी क्राउड भी है अभी, देख सकते हैं कितना भीड़ है इस तरफ और उस तरफ अलग, और इधर सत्संग चलता हुआ। तो सीएम सर आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आ चुके हैं सीएम, हम दिखाते हैं, काफी क्राउड है। देख सकते हैं सीएम सर हैं उस तरफ, और अभी कबीर साहब के फोटो में फूल डाल अर्पित कर अब स्टेज की ओर जा रहे हैं। देख सकते हैं तो अभी स्वागत हो रहा है श्री मोटू चंद्राकर, श्री राजेश बंजारे जी, श्री चुकेश्वर साहू, श्री कुलेश्वर देशमुख, श्री योगेश साहू, देख सकते हैं चित्रांग गेंडे, श्रीमती संजय, काफी भीड़ भाड़ है, पुष्पा कुमारिया में, और इन छत्तीसगढ़ के चल रहे हैं भारत वर्ष नहीं पूरे विश्व में बेटी साहेब बंदगी